हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रेन बस के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा किए गए एक और मिशन चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 की रिलीज डेट एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी दिन 50 साल पहले नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान बने थे जिसने कभी चांद पर कदम रखा हो। चंद्रयान 2 केवल इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि इस मिशन के सक्सेसफुल होने से न केवल भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया हो, बल्कि इस मिशन के सक्सेसफुल होने से इंडियन साइंटिस्ट चांद पर पानी होने के और भी पुख्ता सबूत वापस ले आएंगे। और इसी चीज में इस प्रोजेक्ट का प्रीडिसेसर चंद्रयान 1 काफी सक्सेसफुल हुआ था और उसने विश्व के आगे ये प्रूव कर दिया था कि मून के सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। इसरो की इस स्टडी को आगे ले जाते हुए 2013 में नासा ने अपना ऑर्बिटर चांद की सतह पर भेजा, जिसने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन रिसर्च एकदम सही थी। और उन्होंने ये पता लगाया कि जहां पर चंद्रयान 1 की लैंडिंग हुई थी वहां पर एग्जैक्टली 22% वाटर आइस की फॉर्म में अवेलेबल है। मून को स्टडी करने के लिए अभी तक जितने भी मिशन हुए हैं वो सारे ऑर्बिटल मिशन थे, पर चंद्रयान 2 इसलिए बहुत खास है क्योंकि ये सिर्फ ऑर्बिटल मिशन नहीं है, बल्कि चंद्रयान 2 मून के सरफेस पर अपना रोवर भी उतारेगा जो मून के सरफेस से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इंडियन साइंटिस्ट को रिवर्ट करेगा। अगर ये प्रोजेक्ट सही तरीके से चलता रहा तो 19 सितंबर को चंद्रयान का रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है, वो मून के सरफेस पर टचडाउन कर जाएगा। यूं तो ये प्रोजेक्ट 2008 में ही अप्रूव हो चुका था, लेकिन पहले इस प्रोजेक्ट में लैंडर को रशियन स्पेस एजेंसी डिजाइन कर रही थी और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट इतना डिले हो गया। रशियन स्पेस एजेंसी ने बार बार अपनी डेट्स को एक्सटेंड किया और 2013 तक उन्होंने लैंडर के डिजाइन में कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई। 2015 में जब रशिया पूरे तरीके से लैंडर को बनाने में अनसक्सेसफुल रहा, तो इसरो के साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि ना केवल वो लैंडर को डिजाइन करेंगे बल्कि वो खुद ही उस लैंडर को बना भी देंगे। और आज 2019 में इसरो के साइंटिस्ट ने एक बार फिर पूरे विश्व को चौंका दिया है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मिशन को एक ऐसी कॉस्ट पे किया है जिस पे नासा और बाकी बड़ी स्पेस कंपनीज सोच भी नहीं सकती। इसरो के चंद्रयान 2 में टोटल 978 करोड़ रुपीस लगे हैं, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इस मिशन में एक ऑर्बिटर, एक रोवर और एक लैंडर इंक्लूडेड है। और अगर हम इसे US के सिर्फ एक ऑर्बिटर के मिशन से कंपेयर करें तो उसमें 3500 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आया था। तो आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट इसरो ने कितने कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से बनाया है। चंद्रयान 2 पूरे भारत के लिए एक गर्व का मिशन है, और अगर 19 सितंबर को प्रज्ञान नाम का हमारा लैंडर मून के सरफेस पर लैंड कर जाता है तो वो अपने आप में एक हिस्ट्री होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।